हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रेंथ मटेरियल का जो है रिवीजन आप लोगों के लिए। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार ले लेता हूँ, जो कि आपका प्रिज्मेटिक बार है, यानी इसका जो है डायमीटर डी है, कहीं भी आप देख लेंगे ये डायमीटर जो है फिक्स है। ऐसे बार को हम क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक बार। और इसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। अब इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं पी, ठीक है, टेंसाइल नेचर का है। तो ये जो है इस पर लोड लग रहा है पी, टेंसाइल नेचर का है। और इस पर अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन से इसको मैं काट लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर ये टेंसाइल नेचर का प्रेशर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये क्या होगा, ये भी टेंसाइल नेचर का होगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो आपका डेफिनेशन हो गया, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अभी ये जो बार है ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई मैं यहाँ पर बार लेता हूँ और इस पर केवल एक डायरेक्शन में पी फोर्स लगाता हूँ और ये जो है फ्री टू मूव है, मूव कर सकता है, ठीक है, इस तरह मूव कर जाएगा, इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा फोर्स लगाता हूँ कि पी इधर भी लग रहा है और इधर भी टेंसाइल नेचर का फोर्स, सेम फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर टेंसाइल लोड हम इस पर लगा रहे हैं तो ये जो स्ट्रेस होगा ये टेंसाइल नेचर का होगा, और इसको क्या हम पॉजिटिव प्लस सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर इसी बार पर मान लीजिए कोई बार मैं ले लेता हूँ, इस पर जो कंप्रेसिव फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं इस पर फिर क्रॉस सेक्शन कोई काटता हूँ तो यहाँ पे क्या इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इधर पी लग रहा है, तो इस पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये कंप्रेसिव नेचर का, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें जो है डेवलप होगा, तो इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, माइनस सिग्मा, ठीक है। ये आपका हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, और ये जो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर कोई लोड आपका परपेंडिकुलर द क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन किस टाइप का है, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो ये क्या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल पे लग रहा है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेशन एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जो स्ट्रेस आपका होता है ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ये कब डेवलप होगा, जब डेवलप होगा इस पर, जब हम डिफॉर्मेशन इसमें करेंगे, ठीक है। अब ये पेन है, इस पर हम कोई फोर्स इस तरीके से लगाते हैं, ये जब तक नहीं टूटेगा जब तक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स यानी इसमें जो स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस है जो डेवलप हो रहा है उसके स्ट्रेंथ के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ये टूटेगा नहीं, ठीक है। और अगर ये ऐसे फ्री है तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। और अगर मैं एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो भी इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मूव कर जा रहा है। जब तक इस पर नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हम फोर्स टेंसाइल नेचर का लगाएंगे तो इसमें क्या, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, और कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। और ये क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, पास्कल, मेगा पास्कल, ठीक है। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसकी यूनिट जो है वो प्रेशर के यूनिट के जैसा ही है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट भी सेम है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है आपका, ये होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस आपका होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपका डायमीटर दिया हुआ है डी, ठीक है,
तो अगर हम एरिया निकालेंगे इस बार का, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4d2, ठीक है। और अगर ये आपका वार है, ठीक है, इस पे पी फोर्स लगा रहे हैं, पी फोर्स इधर भी लगा रहे हैं, ठीक है, डायमीटर डी आपको पता ही है, तो सिग्मा आपका हो गया पी बाई ए, ये आपका हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें मान लीजिए डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेल्टा एल इंक्रीज हो रहा है, तो डायमीटर आपका क्या होगा, डेल्टा डी से डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट रहना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाई 4d2l, ठीक है, ये वॉल्यूम आपका बार का है, ये तो कांस्टेंट रहना है, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो डायमीटर अल्टीमेटली डिक्रीज होना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस। और अब इसमें दो स्ट्रेस और हम लोग देख लेते हैं, एक होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस और दूसरा जो हम कंसिडर करते हैं एक्चुअल स्ट्रेस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वो आपका क्या है कि मान लीजिए कोई स्पेसिमेन आप ले रहे हैं, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट के लिए हम स्पेसिमेन लेते हैं, तो उस पर अगर टेंसाइल टेस्ट पी लोड हम लगा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ समय बाद इसका अभी एरिया जो है इनिशियल एरिया ए है, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं यानी टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो लेंथ इसका क्या बढ़ेगा, डेल्टा एल से, एरिया इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस डेल्टा ए, एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं वो इनिशियल जो स्पेसिमन ले रहे हैं, मान लीजिए इनिशियल एरिया क्या है, ए है, ठीक है, लोड तो पी लगा रहे हैं, तो इनिशियली जो हम ले रहे हैं इसको, तो जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है पी बाई ए, ये कहलाता है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है, हैंड राइटिंग में मत ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ये कहलाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। लेकिन अभी मान लीजिए एक्चुअल स्ट्रेस की मैं बात करूँ, एक्चुअल स्ट्रेस, तो जब इसका लेंथ इंक्रीज कर गया, मान लीजिए अभी ये इंक्रीज कर गया, तो ये क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया इसका लेंथ, और क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए माइनस डेल्टा ए, ठीक है, डिक्रीज कर गया। तो इसमें अगर स्ट्रेस हम निकालेंगे तो लोड तो कांस्टेंट है, लोड हमेशा हम जो कांस्टेंट लगा रहे हैं, लोड अपन इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एरिया, उस समय जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी बाई ए माइनस डेल्टा ए। अब ए माइनस डेल्टा ए मतलब ये वैल्यू जो है ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ए माइनस डेल्टा ए, क्योंकि इसमें से कुछ तो कम हो रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए 10 एरिया है 10 mm², तो ये डेल्टा ए मान लीजिए 1 mm² है, तो ये 9 हो जाएगा, तो कम होगा, अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में कम हो रही है तो स्ट्रेस की वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर टेंसाइल कंसिडरेशन हम करें, तो टेंसाइल में जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा इंजीनियरिंग इज ऑलवेज क्या होगा, लेस देन सिग्मा एक्चुअल, टेंसाइल के केस में, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेसिव के केस में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।